अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, इट्स माय स्टाइल बाय आयशा। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और आसान दही फुलकियाँ। बहुत ही न्यूट्रिशियस वैल्यू है इसमें, सब ऐसी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं कि जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देखते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए दही, ये है तकरीबन 1 किलो के करीब दही, जिसको अच्छे से मैंने फेंट लिया है, देख रहे हैं आप। उसके बाद हमें चाहिए दही फुलकियाँ, जिनको पानी में भिगो के रखा है और ये बिल्कुल नरम है इस टाइम। इमली की चटनी, बॉयल्ड पोटैटो, ये एक बड़ा आलू था जिसको हमने बॉयल करके क्यूब्स में काट लिया है। प्याज बारीक कटा हुआ, टमाटर बारीक कटे हुए, खीरा बारीक कटा हुआ, पुदीना बारीक कटा हुआ, हरी मिर्चें और चाट मसाला। इसके अलावा हमें चाहिए इसको और स्पाइसी बनाने के लिए नमक, दादरी मिर्च और ज़ीरा। अब हम कर रहे हैं इनको मिक्स। तो सबसे पहले ये दही है जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया। ये देख रहे हैं कि दही बहुत थिक नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा लिक्विड ही होना चाहिए दही, ताकि जब ये चीज़ें इसके अंदर जाएँ तो ये अच्छी तरह से थोड़ा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करें और नरम भी रहें, बिल्कुल वो गाढ़ा सा नहीं बन जाए। सबसे पहले हम लोगों ने इसमें डाली हैं दही फुलकियाँ, इसके अंदर डाली हैं जो बेसन की बनी हुई होती हैं। अब मैं डालने जा रही हूँ इसके अंदर बाकी मसाले, नमक, ज़ीरा और दादरी मिर्च। अब मैं डालूंगी इसके अंदर ये सब चीज़ें, जिसमें शामिल हैं प्याज, आलू, टमाटर, पुदीना, हरी मिर्चें और लास्ट में जाएंगे ये खीरे कटे हुए। इन सब चीज़ों को मैंने खूब अच्छे से लाइटली इनको मिक्स कर लिया है। आप देख रहे हैं कि इट्स नॉट वेरी थिक, ये एक स्मूथ सा मिक्सचर हमारे पास ये बन गया है। इसमें मसाले आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ लोगों को ज़्यादा स्पाइसी खाना अच्छा लगता है तो वो इसमें और भी चीज़ें डाल सकते हैं। इसे हम सर्व करेंगे इमली की चटनी के साथ, जिसको मैं ऊपर से स्प्रिंकल करती हूँ। जब आप प्यालियों में मेहमानों को अपने सर्व करें, आप उसके साथ भी इमली की चटनी सर्व कर सकते हैं। और मैं डालूँगी इसके ऊपर चाट मसाला, लीजिए मज़े की दही फुलकियाँ तैयार हैं। इनको ठंडा कीजिए और चाहे तो पापड़ी के साथ सर्व कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू।